तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई सभी के। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का सीन हमारा ऐसा है कि मैं बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, आउटफिट वगैरह कुछ पहन पहन के, बस जूते पहनने मेरे को नीचे जाके। और आज हम जा रहे हैं कहाँ पर? आज हम मुरादाबाद जा रहे हैं, मैं, युवराज, मम्मी और मौसी, मतलब इसकी मम्मी। तो अब मेरे को वहाँ पे एक तो मौसी का काम है, मम्मी का काम है, और मेरा कॉलेज का भी काम है। इसका कोई काम नहीं है, ये खाली घूमने जा रहा है बस, तो इसका कोई काम नहीं है। तो अभी मैं जूते पहन लेता हूँ, जूते पहन के गाड़ी साफ करते हैं, निकालते हैं और फिर चलते हैं सीधे। चलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मौसी घर पे। यार बिल्कुल कोहरा हो रहा है, मजा आ रहा है, भयंकर वाला कोहरा। यहाँ पे डर है, बहुत ठंड लग रही है मुझे भी, क्योंकि मैंने चार कपड़े पहन रखे हैं, एक इनर और चार कपड़े पहन रखे, तो ठंड लग रही है तेरे को? हाँ भैया, बता ना क्यों, हाथ कांप रहे हैं मेरे, हाथ जम गए भैया, हाथों में दर्द हो रहा है ठंड के मारे, बहुत ठंड हो रही है। भैया हमारे जा रहे हैं कार चला रहे हैं, कार मजे आ रहे हैं भैया के भी, मजे आ रहे सबसे ज्यादा। मैं तो मुरादाबाद घूमने जा रहे हूँ आराम से, मेरे सबसे ज्यादा मजे है। मैं ना कोई कार नहीं है, मैं तो घूमने जा रही हूँ। उन्नति गाई, नमस्ते नमस्ते भाई। तुम्हें चल रही है क्यों? टोपा डाल रखा अभी, टोपा। मम्मी बड़ा सारा सामान। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मुरादाबाद, और आज का सीन कुछ ऐसा था, रुक जा अभी, कि दिक्कत ये हो गई थी, बी मेन हाईवे पे लगा हुआ था जाम बहुत ज़्यादा। किस्मत ऐसी जाम में निकली है ना आज की, कि 1.5 घंटे का सफ़र 2.5 घंटे लग गए आने में। तो बेसिकली अभी तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे युवराजीरा। तो अभी मैं डायरेक्ट कॉलेज आ गया हूँ, अभी मम्मी और मौसी वो जाएंगे किसी काम से, तो अभी मैं सबसे पहले कॉलेज का काम निपटाता हूँ अपना, जो कुछ भी है। चलो चलते हैं, एक बार आपको कैंपस का टूर भी कराऊंगा कैसा रहेगा। अब बताओ आगे कोई देख के आए थे, कोई था क्या आगे? हैं तो मैं घूम के आता हूँ फिर थोड़ी देर, ठीक है? तो भैया आपके साथ ये, तो गाइस मैं भी भैया के साथ जा रहा हूँ। भैया आज डेट कितनी है? हैं आज डेट, आज यार डेट क्या है, आज चार तारीख आज, हाँ चार, अब नौ में खुलेगा कॉलेज। में आपको थोड़ा सा कैंपस का दिखाऊँ अपना, प्रशासनिक भवन, ये जो है ना, ये वाली जो विंडो है, ये विंडो मेरे उसकी इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट की है। अभी देखते हैं इधर, ये हमारा पूरा प्लेग्राउंड इधर को, हाँ तो यहाँ पे कूद के अच्छा खेलेगा यहाँ पे जाके। देखने वाली बात है कि विंडो, यार सारी विंडो बंद है ना, सारी विंडो बंद है यहाँ पे, वहाँ पर। अबे ये वाला गेट बंद है यार, शिट भाई पद्दी लग गई। वाला गेट बंद है, निकलेगा कैसे आगे से दिखाता हूँ। देखो मैं आपको, सामने वाला गेट बंद है, शिट भाई, अबे निकलेगा कैसे वहां से, अब मतलब आगे देख गेट बंद है सामने। जाने क्यों है, मेरे को लगा ऐसे घूम के आए सामने को निकल जाएंगे, सामने को खड़ी है गाड़ी अपनी। गाइस फिर से एक बार, यार आज किस्मत खराब चल रही है भाई मेरी, कूद के चली जाए। ये हॉस्टल लाइफ में करते हैं जो गाइस हॉस्टल लाइफ से समझ रहे होंगे कूदने का, मतलब स्कूल वगैरह लाइफ में करते हैं। लेकिन अबे ये गेट तो खुला है, लेकिन यहाँ से क्या ग्राउंड में जाएगा? अबे चल, वो मम्मी बाहर खड़ी है, वो अलग सुनाएंगे, एक बार चल वहाँ चल के देखते हैं। ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये वाली है सब, इधर मैंने अपने पेपर वगैरह दिए थे, एग्जाम वगैरह, एग्जाम सारे क्लियर कर, मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग में भी। आज मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ यार कॉलेज अपने, बट कोई बात नहीं है, हमारा होम साइंस का डिपार्टमेंट है इधर, हमारा नहीं मतलब जिनके पास होम साइंस है, मेरे पास तो होम साइंस है ही नहीं। ये जो सामने की तरफ है हमारा आरोग्य वाटिका 45, आ जा भाई आ जा, वाओ। मेरे को एक बार मेरे उनसे मुलाकात हुई थी, तब जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब उनसे मतलब मेरा एक पंगा पड़ गया था, जब मैंने अपना फॉर्म भरा था ना, तो उस टाइम पे मेरे से दिक्कत हो गई थी एक फॉर्म में, तो मुझे कम से कम 4-5 डेली चक्कर लगे थे दिन के रोज के, तो इस वजह से दिक्कत हो गई। तब मैं उनसे जाके मिला था, उन्होंने ही काम करवाया मेरा,
ये अपना कॉलेज का मेन गेट, यहाँ से अंदरों ग्राउंड है, और वो जो रास्ता था वो ये वाला रास्ता था, ये देख रहे हो ना आप रास्ता, ये वाला, वो सामने की तरफ हम जब फंस गए थे, तो अभी घूम के आ गए। एक मिनट फ़ोन करना पड़ेगा क्या उनको? 20 मिनट लग जाते थे वहाँ से, कर ले तो उससे मना कर रहा हूँ मैं कुछ। हाँ कर ली, चल मैंने, हाँ पक्का कर दी भाई, जब कह रहा हूँ कर दी तो। तो गाइस अभी आपने देखा होगा इसका भी स्टंट, ये मेरे से इंस्पायर हो रहा है, पता है मेरे से इंस्पायर होकर आपको दिखा रहा करता, क्यों भाई ज्यादा हीरो बनना है? नहीं भैया। और अगर चोट वोट लग गई फिर? भैया आपने ही करा तो भाई, मैं पहले से करता आ रहा हूँ, मेरे को पता है। और तेरे तू भैया, मैं भी तो पहले से ही करती हूं, घंटा भी तो हो कितना सा, क्या अभी इतना सा तो ये है भी। तो कह रहा मैं पहले से करता आ रहा हूँ, कुछ तो शर्म कर ले थोड़ी सी। ये 5 साल से भैया, 5 साल से करते आ रहे हो, जब मैं 5 साल का था तब से, जब से कोशिश लगा था। गाइस अभी क्या सीन ये है कि क्या कहते हैं, मौसी और मम्मी तो ये दोनों तो हैं आगे बाहर की तरफ, कॉलेज के बाहर, और हम यहीं पे थे, तफरी काट रहे थे इतनी देर से। और फिर अभी इसको भूख लग गई यार, मेरे को भी लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने कहा चलो कुछ खाने चलते हैं। तो इतने वो करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा के अपना मोमोज वगैरह पेलते हैं थोड़ी देर, फिर यहाँ से चलेंगे, देखेंगे कहाँ चलेंगे, पता चलेगा आपको। अरे भैया विंडो वगैरह सब कुछ बंद है, चलो गाइज, युवराज युवराज गाइज, चलो युवराज गाइज। हाँ मैं निकलूंगा कैसे यहाँ से, आराम से भैया। ये बेटे, ये बेटे, ए बेटी की निकल गए, निकल गए, मैं लॉक लगा देना चाबी अंदर कुछ। गेट बंद कर। आ बंद है ये भी, बंद है। चलो 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 चलो। अबे ये डिजाइन किसने करा है? मैंने ये देखो गाइस, मतलब इतनी धूल हो गई है इसमें, इसने ये डिजाइन कर दिया अपना, इसमें फेस ही बना लेता अपना, सिंपल सी बात थी। चल चल आगे, क्या खाएगा वैसे तू? तो गाइस अभी हम खा रहे हैं यहाँ पर पेटीज, क्योंकि भूख लगी आई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चल पेटीज खाते हैं कुछ, और मौसी मम्मी का अभी कोई पता नहीं है कहाँ पर घूम रही है कहाँ नहीं, तो अभी खाते हैं पेटीज, उसके बाद चलते हैं। अभी हम छोले भटूरे खा रहे हैं, अभी छोले भटूरे एक प्लेट है, 2 आएंगे 30 रुपए की, में मजा आ रही है यार, कोई फास्ट फूड मिल ही नहीं रहा था। तो तूने क्या सोचा फिर? देखो आगे छोले भटूरे ले प्लेट ले। हाँ अरे भैया भटूरे तो है ही, आएंगे भाई भटूरे भी आएंगे। तो गाइस ये खाली प्लेट भाई। भटूरा आए नहीं भैया, खाली छोले ही खाने हैं क्या? भटूरे नहीं खाने? अरे देखो भैया कह रहे हैं अभी तैयार हो रहे हैं, भाई रुक जा, भाई रुक जा, चावल खा ले। तो गाइस यहाँ पर हमने छोले भटूरे कंप्लीट हो गए हैं, अभी तेरा पेट भर गया, एनर्जी फुल हो गई तेरी, नहीं मजा आ गया। मजा आ गया भैया, आज पूरे दिन मजा आया नहीं आया? मजा आ गया। तो अभी गाइस यहाँ पे अभी बज चुके हैं 3 बजने वाले हैं, और सुबह हम निकले थे समथिंग कितने बजे, 11 बजे, 11 बजे के आसपास हम निकले थे। तो अभी भी मम्मी और मौसी आई नहीं है, पता नहीं कहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही है। तो गाइस मैं आपको एक घुस का भी सुनाने वाला हूँ, जो कि यार तो रहने तेरे बस की। हाँ। अभी हमने मम्मी को कॉल करा, मम्मी आई नहीं, तो मम्मी ने फोन करके बोला कि अभी कहीं सी काम से जाना था। तो अरे सुन रुक, इतनी देर में बोला क्या? गाइस अभी मैंने मौसी को फोन करा, मौसी कह रही कि अभी हमको टाइम लग जाएगा उस काम को होने में, तो तू देख ले इतना। मैंने कहा फिर चलो यहाँ पे एक फेमस मॉल है PVR, अभी चलते हैं हम PVR, चलो। मौसी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो आप, क्या हाल है भाई साहब? अभिनव गाइस ये मेरी मौसी हैं जो अभी मुरादाबाद में रहती हैं, तो अभी गांव से आ रही थी, तो मैं इधर आ गया था मॉल घूमने, तो मैंने कहा मौसी मिल के जाएंगे अब तो, है ना। और ये मेरा भाई है मौसी का, सबसे छोटा वाला, हम सबसे और परिवार में ना हम 5 ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, मैं भैया और अभिनव और बहन मेरी ऋचा साक्षी। तो और बताओ मौसी कैसी हो आप? बढ़िया बढ़िया एकदम। गाइस अभी अभिनव उसमें और अपन जा रहे हैं इधर ब्रावर में, हमारे PVR है उसमें, साथ में मौसी भी है, मौसी मान गई ठंड। भैया मजा आ रहे हैं, चलो भैया जल्दी से गाड़ी मोड़ के निकल ले रहे हैं। नो अरे पार्किंग आगे की तरफ है ना अभी। पार्किंग आगे की तरफ है ना, मना कर रहा है कि अंदर कुछ सब कुछ बंद है और खाली एक सिनेमा हॉल है, तो जाने का फायदा है नहीं, तो अब घर चल रहे हैं फिर, है ना। चलो ठीक है फिर मौसी नमस्ते।
तो गाइस यार यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कह लो कि बीटी हो गई हमारी गर्ल, कि भाई मॉल गए थे वहां पे, मॉल जाके सिर्फ बंद निकला, सिर्फ एक सिनेमा हॉल खुला हुआ था और सिनेमा पिक्चर देखने का टाइम हमारे पास था नहीं। तो और मैंने आपको दिखाया था अभी पिछले क्लिप में कि मौसी मिली थी, तो वो मौसी गाँव से आ रही थी, मतलब नानी के वहां से, तो वहां से फिर वो भी मिली, तो काफी टाइम बाद मिला मैं उनसे, तो उनसे मिलकर भी काफी अच्छा लगा और भाई भी मिला मेरे को, मतलब ये कि वो तो करीबी सबसे ज्यादा, मतलब हम ना परिवार में 5 बच्चे हैं जो बड़े हैं, बाकी सब हमसे छोटे छोटे हैं, मौसी जैसे हैं, तो सबसे बड़ी मेरी मम्मी, उनसे जो अभी मैंने दिखाई है उनसे छोटी सी छोटी है बस। तो हम 5 बच्चे हैं जो बचपन में भी साथ खेले हुए हैं, साथ खेलते खेलते बड़े हुए हैं, मैं भैया अभिनव जो अभी था मौसी के साथ, और 2 बहनें हैं मेरी, तो वो सब, तो उससे भी मिला काफी टाइम बाद, तो काफी अच्छा लगा। और अभी हम, मैं वहां से तो आ गया हूँ, मैं वहां से थोड़ा शूट नहीं कर पाया, और अभी हम आ गए हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ एक बिल्डिंग है, वहां पे मम्मी और मौसी गई हुई है, अभी मेरे को भी जाना है वहां पे, कुछ शायद कोई काम है, निपटाएंगे उसको और फिर अपन चलेंगे काशीपुर सीधे। गाइस अब हम आए घर पे, लाइन पार करके घर जाना है, ये बैग जो है बैग पकड़ के जाना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने मौसी को और युवराज को ड्रॉप कर दिया, अब ये लोग चले जाएंगे अब घर, और हम जा रहे हैं काशीपुर, तो बाय कर दे फिर एक बार। बाय। अच्छा मौसी नमस्ते, चलो ठीक है, बाय बाय भैया, बाय बाय। तो अभी हम चलते हैं सीधे काशीपुर और वहीं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मौसी के घर, तो अभी हम आ गए वहां पे। अरे उन्नति, तो यहाँ पर क्योंकि अब हमारे घर पे खाना बना नहीं, क्योंकि मम्मी मेरे साथ में थी, तो मौसी जो हमारे घर के पास में ही है, मौसी का घर भी, तो वहां पे मौसी रहती है, तो मौसी ने खाना बना लिया, अब यहाँ से खाना लेके अपने घर जाएंगे। और गाइस मैंने एक जो ये मौसी है मेरी, एक मौसी वो थी जो ऊपर, मतलब सुबह ऊपर कह रहा हूँ, जो सुबह मेरे साथ में गई थी, एक मौसी वो थी, मैंने आपको सभी मौसी से मिलवा दिया, और एक मौसी जो मैंने पीवीआर सिनेमा पे मिली थी ना मौसी, एक मौसी वो थी मेरी, और एक मौसी ये जिनके घर पर अभी आए हैं, जहाँ से खाना वगैरह हम लेंगे, और एक मौसी और है, मेरी 4 मौसी हैं, एक मौसी और है, उनसे मिलना हुआ नहीं आज, वो संभल में है मुरादाबाद से आगे, तो उनसे मिलना हमारा हुआ नहीं। तो मौसी अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो मैंने मिस किया आज आपको, क्योंकि सभी से मुलाकात हुई लेकिन आपसे नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जब हम संभल जाएंगे या फिर मौसी आएंगी तब जाकर मुलाकात होगी, तो मिलवाऊंगा आपको उनसे भी। और अभी मेरे आपने 3 मौसी तो देख ली है, एक मौसी से अभी बहुत जल्द मिलवाऊंगा आपको, और यहाँ से अभी खाना लेके जाएंगे अपने घर पर। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ वापस घर पर, और अभी आपने देखी गाड़ी कर दी अंदर और शटर वगैरह बंद कर दिया सब कुछ। तो आज यार बेसिकली वैसे सब कुछ मज़ा आया, अच्छा लगा आज का, लेकिन गाइज पता नहीं क्यों सर में मेरा दर्द हो गया यार बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं दवाई ले लूँगा, फिर उसके बाद कर बैठता हूँ मैं एडिटिंग पे, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज यार, ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और व्लॉग्स के लिए। तो आज का दिन ऐसे ही बीता, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।